नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ बिलियन क्रिकेटर। एशिया कप में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज है कुछ खास नए न्यूज के साथ। कहानी है तूफानी पारी का। भारत पाकिस्तान मैच से पहले शुभमन गिल ने की शाहीन नसीम की तारीफ। इससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बाबर आजम में आप किसको महान खिलाड़ी मानते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आपको बता दें, एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान की टीम दूसरी बार आमने सामने होगी। ग्रुप स्टेज में दोनों टीमों का मैच बारिश की भेंट चढ़ गया और कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों टीमों को एक एक अंक बांटना पड़ा। वहीं सुपर चार में एक बार फिर दोनों टीमों के बीच कांटे की जंग होगी। इस मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। पाकिस्तान के लिए कप्तान बाबर आजम ने पत्रकारों से बात की, वहीं भारत की तरफ से शुभमन गिल ने सवालों के जवाब दिए। पाकिस्तान के होश उड़ गए। बाबर आजम ने कहा, बारिश उनके नियंत्रण में नहीं है और लगातार हवाई यात्रा की वजह से खिलाड़ियों को फिट रखने में भी परेशानी हो रही है। हालांकि वह कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं और टीम का माहौल हंसी मजाक वाला रखकर सभी का मानसिक रूप से फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व कप के लिए उनके 15 खिलाड़ी तय हैं, बस वह कुछ अन्य विकल्पों को आजमा रहे हैं। हम आपको भटकाते नहीं, सीधे मुद्दे पर लेकर चलते हैं। भारत की तरफ से शुभमन गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। उन्होंने कहा कि बाएं हाथ के थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट होने से काफ़ी मदद मिलती है, इससे एंगल को संभालना आसान हो जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ खेलना अलग अनुभव था। वह पाकिस्तान के खिलाफ मेरा पहला मैच था और मेरे ऊपर अतिरिक्त दबाव था। विश्व कप में हर मैच में दबाव होगा और पाकिस्तान इसके लिए तैयार होने में हमारी मदद कर रहा है। हम आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर चार मैच से पहले शुभमन गिल ने मीडिया से बातचीत करते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सभी बल्लेबाजों को जब ऐसे उच्च स्तरीय गेंदबाजों को खेलने की आदत नहीं होती है तो और बड़े मैच में उनका सामना करना होता है तो यह आसान नहीं होता। अंत में मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।